सो हाय जनता जनार्दन, तो कैसे हैं आप लोग? मैं तो एकदम ठीक ठाक हूँ। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए YouTube ब्लॉग में। तो आज क्या करें, करने को तो कुछ भी नहीं है, लेकिन भूख भी बहुत ज्यादा लग रही है। लेकिन इतने सुबह सुबह खाना भी तो नहीं खा सकते। तो मेरे खुराफाती दिमाग में एक आइडिया आया है। रवा है, दही, इन सब से क्या बन सकता है? अप्पे या इडली? नहीं, चलो अप्पे बनाते। तो अभी मैंने प्याज और टमाटर के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, और ये रवा, और ये कड़ी पत्ता की भी जरूरत पड़ेगी। तो मैं थोड़ा सा दही यहाँ पे मिक्स करूंगी। जल्दी काटने योड़ा स्लो मोशन कर। चल के बस आगे आवाज होने देना। उड़ो जाओ। और ये प्याज और टमाटर भी इसमें जाएगा, और एक छोटा सा चम्मच भी लगेगा, एक चम्मच। और एक प्याज मैंने यहाँ पे डाले। इसको मिक्स करूंगी। पहले मेरे इस मन को देंगे। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी आप अपने हिसाब से मिक्स कर लेना। कभी भी भूख लगती है तो मुझे मैं यही बनाती हूँ। आप लोगों को पता ही होगा कि मैं कितनी भूख करूँ। जब भी मुझे भूख लगती है मैं निकाल लेती हूँ रवा दही, बनाने लग जाती हूँ अप्पे। अगर आपको बनाना है ना तो ये मेरा ये वीडियो देख लेना, और यहाँ से सीख जाना अप्पे कैसे बनाते हैं, ठीक है? अपनी मनमानी मत करना, जैसे मैं बता रही वैसे ही करना। और थोड़ा सा पानी, ये है अप्पे बनाने का साँचा। पता नहीं आप क्या बोलते इसको, लेकिन हम तो मराठी में इसको साँचा ही बोलते हैं। और एक चीज बाकी है, ये भी डालना है, लेकिन इसको ऐसे ही भी डालना। मैं बताती हूँ कैसे डालना है आपको। थोड़ा सा जीरा, ये कड़ी पत्ता का। ऐसे तेल से निचोड़ के इसको यहाँ पे डालेंगे। Thank you.
तो गाइस ऐसे बनाती हूँ मैं अप्पे। तो मैं व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय, टाटा।